पर कैफे हैं काफी सारे। लास्ट एपिसोड हमारी जर्नी शुरू हुई थी फ्रॉम दिल्ली टू कल्पा एंड वी एक्सप्लोर्ड मैनी पार्ट्स लाइक नाको, ताबो, धनकर, पिन वैली। हम यहाँ पे रेस्ट के लिए रुके हैं। दिस यू कैन सी द लोकेशन अराउंड मी एंड अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ स्पीति वैली। सो लेट्स स्टार्ट विद काजा। गाइस ये है काजा की मार्केट, लेट मी शो यू। यहाँ आप कुछ भी खरीद सकते हैं, सेल लग रही है, देख सकते हैं। इसके बाद हम जाने वाले हैं जिसके लिए स्पीति वैली जाना जाता है, जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ ट्रैवल करने आते हैं। एशिया का हाईएस्ट ब्रिज, की मोनेस्ट्री, बुद्धा स्टैचू एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज, पोस्ट ऑफिस। बट फर्स्ट लेट मी शो यू जहाँ हम इतने दिनों से रुके हुए हैं, इस ठंडे वेदर में, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, काजा का बेस कैंप। ठीक है, तो मैं गाइज आपको कैंप के अंदर का व्यू दिखाने वाला हूँ अभी। सो दिस इज आवर कैंप नंबर 2। यहाँ देख सकते हैं हर कैंप में नंबर डाले हुए हैं एंड लेट मी शो यू इनसाइड द कैंप। ओह कूल, यहाँ टेबल है, दिस इज संभव, यहाँ हमारे लगेज रखे हुए हैं एंड दिस इज वॉशरूम एरिया, लेट मी शो यू। ओके, तो ये कैंप के अंदर का वॉशरूम ऐसा होता है कुछ, और ये है हमारा कैंप का कॉमन एरिया जहाँ पे हम डेली अपना ब्रेकफास्ट और डिनर करते हैं। मिथाली क्या कर रहे हो आप? पानी भर रहे हैं। किसके लिए? मेरे लिए। क्यों? सबके लिए। रीजन बताओ पानी भरने का। डिहाइड्रेशन होता है ना पहाड़ों पे। अच्छा, तो हमें पानी कैरी करना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा, राइट? इसमें ओआरएस भी मिक्स कर लो। ओआरएस भी मिक्स कर लो। ओआरएस क्या हेल्प करता है? ये भी देता है, वो भी मिक्स कर लो। गोली। ओआरएस क्या हेल्प करता है? ओ इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोलाइट लेवल। ओके कूल, वी नीड इट इन द माउंटेंस। सी या दिस। हां नाइस। और हमारे ट्रैवलर निकल चुके हैं, रेडी हो चुकी है, हम निकलने वाले हैं अभी। कहाँ के लिए निकल रहे हैं हम? तो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चीचम ब्रिज, जो एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, और हम लांजा जाने वाले हैं जहाँ पर बुद्धा का टेंपल है, फॉसिल्स है, और हम जाने वाले हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज। एवरीवन इज गेटिंग रेडी फॉर दिस ट्रिप। मुझे तीसरी बार चीचम ब्रिज पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। एवरी टाइम देयर इज अ डिफरेंट वाइब, एवरी टाइम एक्साइटेड टू कम हियर। तीसरी टाइम? तो आप कितने सालों से तीसरी बार आ रहे हो? 38 टाइम। बताइए चीचम ब्रिज के बारे में थोड़ा। चीचम ब्रिज है एशियाज हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। ओके, इसको बनाया गया था ताकि जो मेन काजा टाउन है ना, वहाँ से जो किब्बर विलेज आगे चीचम विलेज है, उनका रास्ता छोटा हो सके। वहाँ पहले बहुत दूर को जाना पड़ रहा था, तो उस रास्ते को शॉर्ट करने के लिए इस ब्रिज को बनाया गया। इस ब्रिज के बारे में आपको हिस्ट्री और फैक्ट्स पढ़ने, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, उस पर पूरे फैक्ट्स, कितने वर्कर्स थे, कितना टाइम लगा, कितना अमाउंट लगा, सब बनने में, वो सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। और ये कितने हज़ार फीट है?
इसकी हाइट चीचम की हाइट 13,400 फीट है मीटर में 400 फीट मीटर में नहीं पता मुझे फीट में बताया 13,400 फीट अप्रॉक्सिमेटली एंड वी वांट टू लाइक गेट द मीटर्स यू शुड डिवाइडेड बाय अरे ये लिखो ओके ओके पॉइंट इन सॉरी नाइस कौन मीटर लिखे हुए भाई और अभी हम जा रहे हैं द मोस्ट पीसफुल एंड मैजिकल प्लेस ऑफ स्पीति वैली की मोनेस्ट्री 13,668 फीट की हाइट पे जो यहाँ की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है जहाँ पे छोटे बड़े सारे मंक्स मेडिटेट करते हैं प्रैक्टिस करते हैं और साथ में अपनी लर्निंग भी करते हैं। गाइस अभी हम पहुंचे की मिनिस्ट्री है ना की मिनिस्ट्री वैसे तो 1000 ईयर ओल्ड है पर 1000 ईयर्स पहले यहाँ पे नहीं थी नॉट हियर ठीक है ये थी नीचे रागरिक विलेज लेकिन वहाँ पे अटैक्स हो रहे थे अफगान्स के ठीक है साथ बुद्धिज्म के सेक्स में लड़ाई हो रही थी उस टाइम ठीक है क्योंकि बॉर्डर एरिया कल भी मैंने आपको बताया अटैक्स होते थे इसीलिए इसको ऊपर लाया गया यहाँ ठीक है उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स हुए जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा है आधा पुराना है आधा नया बना हुआ ठीक है बीच बीच में पुराना है मेडिटेशन केव्स है अंदर प्रॉपर ठीक है फिर साइड में न्यू प्लेयर हॉल बना हुआ है कुछ स्ट्रक्चर नया पर पुराना इसी वजह से क्योंकि ऐसे सक्सेशन में स्ट्रक्चर बन रहे थे इसी वजह से जो ऊपर आपको ऐसे दिखाई देता है ना पूरा ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो इसीलिए ठीक है वो जो उस तरफ से आपको रूम्स दिखाई देते हैं जो एरिया दिखाई देता है दैट इज़ फॉर द मॉन्क्स रेजिडेंस ठीक है दे लिव अकॉर्डिंग टू देयर यू नो पोस्ट कि जो सबसे हेड लामा होंगे वो सबसे ऊपर रहेंगे फिर नीचे उनके ऐसे 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 करके वो उसके ऑर्डर में रहते हैं तो ये रूट है की मोनेस्ट्री की अगर आपको फ़ोटो लेनी है मतलब आप इस पहाड़ी पर चढ़ के ऊपर वहाँ जाके फ़ोटो ले सकते हैं जो कि मैंने आपको वहाँ से वीडियो दिखाई थी सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन गो थोड़ा स्टीप है बट धीरे धीरे आप यहाँ आ सकते हैं यहाँ से की मोनेस्ट्री पूरी अच्छे से दिखती है तो यू कैन कैप्चर अमेजिंग फोटोज की मोनेस्ट्री को अलविदा कहते हुए हमारे सफर की गाड़ी पहुंच जाती है लांजा विलेज लांजा लाहौल एंड स्पीति का एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे 14,300 फीट की हाइट पे है बुद्धा का बड़ा सा स्टैचू गाइज हम लांजा विलेज में हैं तो यहाँ की खास बात जैसा कि भाई ने बताया कि यहाँ पर एक बुद्धा का स्टैचू है वहाँ देख सकते हैं आप और यहाँ पर फॉसिल्स हैं हाँ वहाँ देख सकते हैं आप मैं कैमरा पॉइंट कर रहा हूँ उंगली नहीं कर सकता तो और यहाँ पर फॉसिल्स हैं किस चीज़ के फॉसिल्स हैं शिवांशु भाई ये मरीन एनिमल्स के होते हैं जो ये एरिया था और पहले ना पूरा सी के अंदर सबमर्ज था तो जब टेक्नोलॉजी देख सकते हैं आप कितना सुंदर है ये विलेज और अगर आप लांजा आ रहे हैं तो ये एक यहाँ पर रेस्टोरेंट टाइप होटल है तो यहाँ पर आप लंच कर सकते हैं जो कि हम अभी करने वाले हैं हमने दाल चावल ऑर्डर किए हैं तो आई विल रिकमेंड यू टू ईट दाल चावल हेयर नॉट ईट मैगी और एनी मोमोज सो द नेम इज़ लाराज तो ये लांजा में है लाराज यहाँ पर यू कैन ईट एनी थिंग वॉट एवर यू वॉन्ट और इन पहाड़ों में ऊपर की ओर बढ़ते हुए लोग ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन भी कम होने लगती है और इसी तरह 15,000 फीट की ऊंचाई पे हम पहुंच जाते हैं दुनिया की सबसे ऊंचाई पे बसे विलेज कॉमिक में जो कनेक्टेड है मोटरेबल रोड से जहां केवल 130 के आसपास ही लोग रहते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट इनहैबिटेबल विलेज कनेक्टेड वाया मोटरेबल रोड ओके एट द हाइट ऑफ 15,023 फीट अबव सी लेवल एप्रोक्सीमेटली ओके यहां की खास बात यही है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है जहां पे रोड आता है
और जहाँ पे लोग रहते हैं। मोटरेबल मतलब जहाँ मोटर गाड़ी चल के आ सकती है, राइट जी। रोड है यहाँ पे, ठीक है, मोटरेबल रोड से कनेक्टेड। यहाँ पे दो मिनिस्ट्रीज हैं, एक रेस्टोरेंट है जो क्लेम करता है वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट, बट उसका कोई प्रूफ नहीं है सच। उसके अलावा दो बहुत सुंदर मिनिस्ट्रीज हैं। मोनेस्ट्री आई थिंक बंद है अभी तो। मोनेस्ट्री हाँ, अभी टाइमिंग होता है ना इनका ना, सुबह शाम जाइए। बहुत ऐसे टूरिस्ट प्लेस वाली मोनेस्ट्री नहीं है कि मोनेस्ट्री जाइए पूरे टाइम खुले रहे, तो ये मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा रहता है कि ये पूजा वूजा के टाइम खुली होती है। मतलब आप मोनेस्ट्री के प्रेमिसेस के अंदर जा सकते हो, अंदर दर्शन करने के लिए बहुत रेयरली खुला होता है ये वाला मोनेस्ट्री। और इस गाँव में मतलब किस विलेज में क्या खास बात है? और यही है सबसे, इससे ज्यादा खास बात और क्या लोगे, दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, गाड़ी आ रही है। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, एनी आइडिया? यहाँ की पॉपुलेशन यार कुछ टाइम पहले, ये बहुत पहले की लिखी हुई है, अभी रिसेंट में कितनी है? रिसेंट में यार आइडिया नहीं, अभी कुछ जनगणना का वो भी आया नहीं है ना, बीच में कुछ दो सरकारों के बीच के तकरार की वजह से हमारी जनगणना नहीं हो पाई अभी तक, तो देखो क्या होता है पता चलेगा। बाकी इतनी ही होगी, ये बहुत छोटा सा गांव है, आपको इधर में दिखाता हूं कितना सा। ये पूरा कॉमिक विलेज, यही है कॉमिक विलेज, बस गिने चुने घर है यहाँ पे बस। तो ज्यादा लोग रहते नहीं होंगे भाई, 114 के 120 हो गए होंगे ज्यादा बस। यह हमारी सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन, 14,500 फीट की हाइट पर स्पीति के हेक्की में है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जहां से आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने पोस्ट कार्ड भेज सकते हो। थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मैं अपनी चिट्ठी तो नहीं लिख पाया, लेकिन कुछ लोगों को लिखते हुए अपने कैमरे में जरूर कैद कर लिया। अभी हम जा रहे हैं अपनी लास्ट लोकेशन पे, ग्यू विलेज। जहां पे है ग्यू स्तूपा के पास 800 साल पुरानी बुद्धिस्ट मॉन्क की मम्मी। वहां पे जो मम्मी है, आपने सुना होगा एक मंक की मम्मी जो एक्सकेवेशन में पाई गई थी, वो 800 साल पुरानी स्तूपा के अंदर वो थी। तो बोलते जब एक्सकेवेशन किया था, तो जब वो टूल होता है एक्सकेवेशन वाला, वो लगा था उस मम्मी के सिर पे, तो उस पे खून भी लग गया था। अच्छा, इस मंक की मम्मी बोलते हैं, उसके नेल्स अभी भी ग्रो करते हैं। जब किसी ऐसी चीज को करीब से देखते है ना, जिसको आज से पहले सिर्फ बुक्स में और मूवीज में देखा करते थे, तो एक अलग सी खुशी मिलती है। यह एक अलग सी दुनिया है जो हमारी डेली रूटीन की दुनिया से बिल्कुल अलग है, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही खूबसूरत। वो कहते हैं ना कि दुनिया की सारी क्रिएशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बिल्कुल एक पहाड़ों की तरह। और यह था स्पीति में हमारा लास्ट डे। अब अलविदा लेने का वक्त आ गया है। जब किसी जगह को, लोगों को छोड़कर जाते हैं ना, जिनके साथ हम इतने दिन रहे, जहाँ रहे, तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। लेकिन इस बात की खुशी भी होती है कि यह कहानी हमने यहाँ जी है ना, वो एक बार फिर शुरू करनी है, लेकिन शब्दों में, इन वीडियोस के थ्रू। तो यह शब्दों का सिलसिला तो चलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही एक नई वीडियो में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।